से पढ़ लिए आपने, नंबर सिस्टम, एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, परसेंटेज डिस्काउंट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में। बात एकदम शुरुआत की है जब मुझे लगता था कि गणित मेरा बहुत कमजोर है, मैं कुछ भी बनाने की कोशिश करता था मैथ के कोई भी प्रश्न, और मुझे लगता था कि मैं क्या करूं, यहां जोड़ लूं पहले कि घटा लूं कि गुना कर लूं कि भाग कर लूं और भिन्न के जोड़ूं, तो समझ ही नहीं आता था कि नीचे से ऊपर की तरफ कैसे लोग काट दे रहे हैं। जब गुना गुनी वाला चीज आ जाता था, भट्टा के रूप में आ जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन यादव मैथ मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने जीवन के बारे में बताने वाला हूं कि मैंने गणित कैसे सीखा, क्योंकि मैं एक गांव से था, हमारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। आप जान सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं पहले भी क्या थी और आज भी क्या है। मैं बिहार से हूं तो लोग कहते भी हैं कि बिहारी के खून में मैथमेटिक्स होता है, हो सकता है। मैथ से ऐसा नहीं था कि मुझे लगाव था ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th जब किया था तो मैंने मैथ नहीं लिया था, मैथ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैथ मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं बायोलॉजी से पढ़ा था, 12th किया बायोलॉजी से। एक्स्ट्रा में हमारा मैथ था, वो संजोग से, संयोग कहिए, मैथ में नंबर आ गया ज्यादा, चोरी करके पास हुए उस टाइम। वैसे ही पास होते हमारे बिहार में तो पहले ऐसे ही, अब तो थोड़ा सा पाबंदी लगी भी है लेकिन आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा चलता था। बचपना था हमारे भी, अंदर यह हौसला रहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ले आए, तो गेस पेपर लेके परीक्षा हॉल में घुस जाना। फिर भी शायद वैसे ही लिखने से मैथ में ज्यादा नंबर आ गया, लेकिन वो सब क्या था, सब खोखला था, एकदम खोखला, मतलब अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं 30 डिवीजन पास कर भी गया तो उसका कोई मतलब नहीं था कि उस 30 डिवीजन पास करने में हमारा कुछ योगदान था। पर ऐसा भी नहीं था कि मैंने पढ़ाई करने में कोशिश नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। मेहनत शुरू से किया, हमेशा प्रयास किया कि हम अच्छा से सीख जाएं, कोई चीज याद कर ले। लेकिन समस्या ये था कि जो पढ़ते थे वो समझ नहीं आता था, और ना समझ में आने के कारण क्या होता था, बोझ लगता था, लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने का काम है ये, पढ़ाई आसान काम नहीं है। और जब लगता था ये भी कि मैं अपने साथ पढ़ने वालों छात्रों को देखता था तो मुझे लगता था कि भाई ये कैसे जानता है, कोई टीचर इससे पूछता है तो ये धड़ाक से जवाब कैसे दे देता है। तो कभी कभी ये लगता था ना कि हम ही कमजोर हैं, हम सब से गेल गुजरल हैं, एकदम हमारे लैंग्वेज में कहिएगा तो लगेगा कि मतलब हम सबसे गेल गुजरल है, खत्म है हम ही, हमारा कुछ आता नहीं है, हम एकदम बुद्धू हैं, मतलब हमारा जो दिमाग है ना एकदम पत्थर, भूसा भरा, भूसा पत्थर दिमाग हो गया और इसमें भूसा भरा हुआ है। टीचर पढ़ाता है, सब आगे बैठा हुआ कहता है जी सर जी सर, हाँ सर। टीचर बोल रहा है कि ये देखो ये प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। असल हम ये समझते रह जाते थे कि हमको तो पढ़ाया था कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पढ़ा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हम इस कंफ्यूजन में पड़े रह जाते थे कि इसने टू ए बी लास्ट में लगाया है जबकि हमको किसी टीचर ने पहले पढ़ाया था, वो टू ए बी बीच में लिख दिया था। दिक्कत ये था कि उसने बताया ही नहीं था कि रे भाई प्लस में आगे पीछे कहीं किसी को लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे 5 + 3 जोड़ोगे तब भी 8 होगा या 3 + 5 जोड़ोगे तब भी 8 ही होगा, ऐसे किसी ने नहीं बताया। अब हमें क्या पता, अब हम अभिमन्यु ठहरे नहीं कि अपनी मां के गर्भ से हम सब कुछ सीख के आए। तो समस्या यहां हो जाती है कि केवल बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत में ही आप देखेंगे उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे 8th 9th 10th में गया तो गार्जियन जो होते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं, उसको बार बार डांटते रहते हैं, बार बार कोसते रहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है। बच्चा भी पढ़ने का प्रयास करता है और कुछ दिनों में उसे लगता है कि भाई यह हमसे नहीं होने वाला है, तो उसको मन ही नहीं लगता, वो पढ़ता ही नहीं। अब सपोज करो, सोच के देखो कि जब 3 घंटे का हम मूवी देखते हैं, पूरा सिनेमा देख गए और एक एक चीज याद हो जाता है, जो लड़का नहीं पढ़ता है उससे भी पूछना, एक सिनेमा उसको दिखा के उसको पूरा सीन याद हो जाता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का आपने फॉर्मूला लिखा, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, लेकिन कॉस 45 का पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगा, सेक में 30 डिग्री का मान पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगा। वो दिक्कत इसलिए हुआ कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट जगाने वाला नहीं हुआ, आपको यह नहीं लगा कि भाई इसको हम सिनेमा की तरह भी देख सकते हैं,
इसके वजह से होता क्या है कि आप अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। आप एक टीचर को छोड़ेंगे दूसरे टीचर के पास जाएंगे, आपको कोई बता दिया कि सुनना हम एक जगह कोचिंग पढ़ने जाते हैं, यहाँ तो 200 रुपया महीना लगता है ना, वहां चलो, लेते तो है 300 लेकिन पढ़ाते सर जी बड़ा बेजोड़ है। अब हम उठ के पहुंच गए उस सर जी के पास, क्योंकि हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा है, हम चाहते कि किसी तरह हम सीख जाएं, सब बच्चों की तरह हम भी तेज हो जाएं। वहां पहुंचाते, ये शुरुआत के समय में होता है। मतलब मैंने क्यों लिखा कि गणित जो है गुप्त रोग की तरह लगता था, क्योंकि जब मतलब अगर क्लास में हमने किसी से पूछ दिया, टीचर से पूछ दिया, हंस दिया, अरे लड़का 10 वाला लड़का हंस दिया कि साइन 0 डिग्री के सर, इसको साइन 0 डिग्री के मान याद नहीं, बताइए ना, हम लोग तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गए, हम तो ज्योमेट्री में अब भिड़ल है। एक दिन पूछा, दो दिन पूछा, तुम्हें भी डेली लगने लगा कि भाई सब हंस देता है। नहीं, अब हम महंगे टीचर के पास भी आ गए हैं। उस गुरु जी क्या ये भी बोल दिए कि सर प्राइवेट में जाके आप सबके सामने बोलते भी नहीं है, शर्म आता था, सबके सामने बोल भी नहीं सकते क्योंकि हंस देते हैं लोग। तो एक अंदर ईगो, वो झूठ मूठ का मतलब वो एकदम खोखला कि हमारे अंदर ईगो है, हमारा एक इमेज है, तुम्हारा कोई इमेज नहीं। ये बात बाद में समझ में आती है जब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते या कुछ कर गए तो समझ में आती है, ये उम्र से होता है। और उस समय का उम्र ये होता है, 9th 10th क्लास और 11th 12th करने वाले बच्चों के अंदर ये होता है कि भाई अगर हम बहुत कमजोर है ना तो अपनी कमजोरी हम बताए नहीं, हम अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप टीचर को बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा 0 लेवल से पढ़ाइए, एकदम बेसिक लेवल से। अब बताइए, आप गए हैं 9th करने के बाद, 9th क्लास आपने पास किया, आप 10th में गए, आज जो भी आप जनरल कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर 10th बेसिस से ये एग्जाम आपका होता है, तो आप गुरुजी को बोलते हैं कि सर हमें बेसिक से पढ़ाइए, हमें अच्छा से पढ़ाइए, थोड़ा सा हमारा कमजोर है, बेस कमजोर है। वो बोलते ठीक है ठीक है ठीक। अब बेस से वो कितना बेस जाएगा, कहां से बेस बनाएगा? आप 9th करके 10th में गए हैं या 10th करके आप 11th 12th में गए हैं तो वो बंदा आपको कैसे पढ़ाएगा? वो सोचेगा कि ये 10th में मेरे यहां पढ़ने आया है तो 8th 9th पढ़ा है, हाँ 9th में ठीक से नहीं पढ़ा होगा, 8th तक तो पढ़ा है। अब एक वाला भी सवाल तुमसे तो 5वां क्लास का सवाल नहीं आता भाई बनाने, इसलिए तुमने कहा कि मुझे बेसिक से पढ़ाइए। अब आपको समझ में मतलब आएगा नहीं, क्योंकि वो बंदा पढ़ाएगा आपको 9th के लेवल से पढ़ा देगा ज्यादा से ज्यादा, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बोडमास का नियम नहीं पता है। हमें नहीं पता था, मैं 12th कर गया, मुझे नहीं पता था कि बोडमास का नियम क्या होता है। और रियल बात तो ये था, मुझे नहीं पता होता था कि बोडमास, मैंने सुना ही नहीं, किसी ने बताया नहीं बोडमास, बोडमास क्या होता है। और इस टीचर से उस टीचर, उस टीचर से उस टीचर, इस साल उस टीचर से, उस साल उस टीचर से करते गए, वो इसलिए कि कोई ना कोई तो अच्छा पढ़ाता होगा, ये परेशानी हो जाती है। और फिर कभी टीचर मिलेगा ऐसे ही ढूंढने से ही मिलता है, हमें भी मिले हमारे गुरु जी। जब मुझे लगा कि भाई हम गणित में कमजोर इसलिए थे कि हमको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता था। अब मान लो कि जब हमने शुरुआत किया पढ़ना, देखिए अगर आप साफ कमजोर है गणित में तो जब तक आपको यह नहीं बताया जाएगा कि भाई गुड मार्क्स का नियम क्या होता है तो आप कोई भी कल्प, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। अब मान लो कि हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाते हैं, इकाई अंक पढ़ाते हैं, तो आपको शुरू से चलना होगा। जैसे मान लो कि 356 है ना, अब इसमें कहे कि यूनिट डिजिट बताइए, मतलब इकाई अंक, इकाई अंक, तो आप जानते हैं कि इसका इकाई अंक कैसे निकाला जाए। आपको जब यह बताया जाए कि इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, कोई बात नहीं है, आपको यहां पर दिख रहा होगा इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई दहाई संख्या क्या होता है। तो आपको ये इकाई दहाई संख्या ऐसे ही तो पढ़ते थे, इतना बात तो हमको पता है, बचपन में ही पढ़ाया गया कि इकाई, जैसे देखो साथ ही है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे हुआ ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी इकाई की जगह कौन है 7। और जब आपको इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से ही मतलब, दोस्तों अगर 6 × 2 = 12 और 12 में इकाई अंक कौन, तो 2, और 2 से 7 को गुना कर दो, 2 × 7 = 14,
अब 14 में इकाई कौन, तो 4। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया कि ऐसा कोई भी सवाल होगा तो आप बना दोगे। अगर मान लो कि मैं आपसे एक सवाल ऐसा दे दूं और आपसे कह दूं कि जरा बना के बता दीजिए कि इस सवाल का इकाई अंक क्या होगा, इन सबको गुना करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे वो इकाई अंक तो यही है सर, इस संख्या में ये, इस संख्या में ये। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से गुना 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 20, 0 है कि नहीं। तो 20 में इकाई अंक कौन आ गया, 0, यानी इस सवाल का आंसर 0 हो गया। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आसान सवाल था इसलिए आपको आ गया, सुनिए ऐसा बात नहीं है, ये आपको आ गया है इसलिए आसान है, आसान था नहीं, आप जान गए इसलिए आसान है। अब गांव में लेके जाइए इस सवाल को, किसी और व्यक्ति से पूछ लीजिए जो पढ़ा है, लेकिन वो गुना करने लगेगा, लेकिन आप अब सीख गए हैं तो ये आपके लिए आसान है। दुनिया की सारी चीजें जब आप जान जाते हैं तो वो उतना ही आसान हो जाता है। और एक बात याद रखना, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो इंसान किया है और तुम नहीं कर सकते। अगर तुम इंसान हो तो जो इंसान किया वो तुम कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे गणित पढ़ना चाहिए, मुझे गणित ना सीखने के वजह से हमें मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप गणित सीख रहिए, आप लग जाइए, और सबसे पहले छोटी छोटी बात सीखिए, एकदम मैं शुरुआत से बता रहे जा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप सीख जाओगे। जब मेरे जैसा व्यक्ति जो बायोलॉजी लेके 12th में पढ़ा और आज गणित पढ़ा, आज आप 32 लाख विद्यार्थी का मैंने विश्वास जीता है, क्यों, अपने पढ़ाने के दम पर। हो सकता है दुनिया में नॉलेज बहुत लोगों के पास हमसे ज्यादा है, पर मेरे पास स्किल है कि मैं आपको गणित सिखा सकता हूं। मैंने निश्चय किया था, मुझे पहले कहां पता था कि मुझे टीचिंग क्षेत्र में ही जाना है, लेकिन जब मुझे यह लगने लगा कि यह सिर्फ समस्या मेरे साथ नहीं है, यह समस्या करोड़ों स्टूडेंट के साथ होगा, जो इस देश में जितने स्टूडेंट मैथ सीखना चाहते होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, जैसे मैं टीचर से मिलता हूं, ऐसे तो बहुत सारे टीचर होंगे जो ऐसे ही पढ़ाते होंगे कि भाई वो पढ़ा रहे हैं और हम उतार रहे हैं, और 10 बच्चे जी सर जी सर जी सर कह रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो सिखाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो कोर्स कराते हैं। तो सीखिए, जब आप सीख जाएंगे ना, अगर आप गणित सीख गए तो आपको जरूरी नहीं है कि अलग से रेलवे के लिए गणित अलग सीखना है, एसएससी के लिए गणित अलग सीखना है, बैंक एग्जाम के लिए गणित अलग सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बताओ एक टीचर जो गणित सीखा तो क्या रेलवे के लिए वो अलग गणित सीखा है क्या, रेलवे के लिए परसेंटेज अलग बोला जाएगा क्या, और बैंक एग्जाम में परसेंटेज अलग बोला जाएगा क्या, नहीं रे भाई, बोर्डमास का नियम रेलवे में दूसरा होगा और एसएससी के एग्जाम में दूसरा होगा, नहीं, आप केवल गणित सीखे नहीं है अच्छा से, इसलिए आप चाहते कि ये भी कर ले वो भी कर ले वो भी कर ले ये भी कर ले, आप करिए रेलवे के लिए अलग पढ़िए, लेकिन एक बार गणित अच्छा से सीख जाइए, रीजनिंग अच्छा से सीख जाइए, आप जीके अच्छा से पढ़ जाइए, समझे कि नहीं, साइंस को अच्छा से पढ़ जाइए। इसको पढ़ने के बाद अब जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए। जैसे आप गणित को अच्छा से पढ़ लिए, आपने नंबर सिस्टम एवरेज टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सीआईएसआई परसेंटेज डिस्काउंट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन सब खत्म कर दिया। इस खत्म करने के बाद अगर तुम एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आओ और उसके क्वेश्चन को बनाओ। तुमने एलसीएम से पढ़ा है तो एलसीएम से बनाओ, अब देखो तुमसे बनेगा, हो सकता है 100 सवाल बनाओगे 10 सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो बुक को उल्टो देखो कि भाई हमसे कौन सवाल नहीं बना। अगर 100 सवाल में 90 सवाल बनाने का ताकत तुम्हें है तो वो 10 सवाल भी तुम किताब से सीख जाओगे, पक्का सीख जाओगे। लेकिन हाँ, पढ़ना उसी टीचर से जिसका पढ़ाया हुआ चीज तुम्हें समझ में आ जाए, भले ही 1 साल के बदले 1.5 साल लग जाए, इसके लिए कभी संकोच मत करना, 6 महीने के बदले 1 साल भर लग जाए तो भी उससे पढ़ना जो सीख जाए। क्योंकि याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, एक कागज जो है किस्मत के सहारे आसमान में उड़ता है, लेकिन एक पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। अगर नौकरी नहीं भी होगा ना तो भी भूखे नहीं मरोगे अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा, और टैलेंट होने के लिए जुनून जरूरी, जुनून अंदर भरिए कि हमको सीखना है गणित। गणित बहुत आसान चीज है। विपिन सर बोल रहे थे कि 12th में वो बायोलॉजी से पढ़े, कहा कि गणित उनको नहीं आता था, अरे ट्रिग्नोमेट्री हम रट गए थे भाई, और आज देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो खोज के देखिए, लिखिए कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ मस्ती। अगर आपका दिमाग पत्थर होगा ना, एकदम दरवाजा लोहा के दरवाजा दिमाग में लगल होगा ना, दरवाजा तोड़ के घुस जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में, और नहीं सीख गए ना
तो जाइए कमेंट बॉक्स में 1000 गाली दीजिएगा मुझे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कभी मैंने लाइक डिसलाइक और कमेंट बॉक्स बंद नहीं किया है, आप जाकर दीजिए। लेकिन आप एक बार वीडियो, लेकिन पहला क्लास से देखिए और पक्का समझ में आ जाए। हमने धुरीना एप्लीकेशन पर भी पूरा कोर्स करा रखा है। मैथ का अगर आप चाहते हैं तो 300 से ज्यादा क्लास अब होने वाला है, वहां पर 300 क्लास पूरा होने वाला है, तब वो भी क्या होगा, या 300 होने वाला है। वहां से पूरा मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, अभी पूरा अर्थमेटिक पढ़ा दिया है, ज्योमेट्री पढ़ा दिया, मेंसुरेशन पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। और जानते हैं हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे बहुत महंगा हुआ करता था कोर्स, और जबकि पैसे की भी वैल्यू थी, 500 रुपया में एक महीना कोई टीचर पढ़ाता था। आज हम 499 यानी 500 में 499 रुपया में पूरा कोर्स धुरीना एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दिया है, धुरीना एप्लीकेशन पर। और फ्री वीडियो हम 1400 वीडियो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, डेली वीडियो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, धुरीना एप्लीकेशन पर भी पढ़ाते हैं। यहां पर होता है कि भाई यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अलग अलग वीडियो खोज के आप पढ़ सकते हैं। उसमें है कि जैसे ही खोलोगे तो 3-4 फोल्डर है, अर्थमेटिक का अलग, नंबर सिस्टम का अलग, एडवांस का अलग। खोल दिए, अब आपको जो देखना है आप देखिए, ये धुरीना एप्लीकेशन पर होता है। कैसे होता है, अगर आप चाहते हैं कि धुरीना एप्लीकेशन पर हमको ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एकदम पूरा देखिएगा, भगाइएगा मत, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और गणित आपका गुलाम हो जाएगा, मैं चैलेंज करता हूं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मस्ती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खोल लेना है अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA, धुरीना लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये हमारा धुरीना एप्लीकेशन सर्च में आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, हमारे फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा धुरीना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का, मतलब कि आप पहले से अगर धुरीना पर अकाउंट बना चुके हैं, ऑलरेडी आप धुरीना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर है, पहली बार आप धुरीना एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी अपना डिटेल्स वगैरह भर के साइन अप करना है। जैसे यहाँ पर हम अपना नाम डालते हैं, मेरा नाम नितिन हुआ, नितिन कुमार। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, कोई भी जो आप यूज करते होंगे। ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। जैसे मैं बिहार के रहने वाला हूँ तो हम यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, कोई भी पासवर्ड जिसको आप सेट करना चाहते हैं, अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लेंगे। फिर से कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है रेफरल कोड का, इसको स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा, हमने जो नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन के समय उस नंबर पर एक OTP आने वाला है, उस OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे, 24298। OTP डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या फिर स्कूल का। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, OTP वेरीफाई होने के बाद हमारे पास धुरीना एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें विपिन सर का कोर्स ख़रीदना है, तो हम यहाँ पर टीचर पर क्लिक करेंगे। टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम विपिन सर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। विपिन सर वाले ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विपिन सर का जितना भी कोर्स है उसका हमें लिस्ट मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का फाउंडेशन बैच हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर UPSI हो, या फिर रीजनिंग का कोर्स हो। अब इसमें से जिस कोर्स को भी हमें ख़रीदना है उस कोर्स को हम ओपन करेंगे। मान लीजिए हमें रीजनिंग का कोर्स ख़रीदना है विपिन सर का, तो हमने रीजनिंग को ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर बाय नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, कि आप फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप पे पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के बाद। पे पर क्लिक करने के बाद
आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर भी क्लिक करके आप अपने कार्ड नंबर को दे के पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट करने वाले हैं अभी। तो हम नीचे में यूपीआई वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यूपीआई वाले ऑप्शन में आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, बहुत सारा ऑप्शन है, व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोनपे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमसे फ़ोनपे का यूपीआई आईडी मांगा जाएगा। और बहुत सारे लड़के इस बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोनपे का यूपीआई आईडी कैसे निकाले, तो वो भी आपको अभी हम बताने वाले हैं। इसके लिए हमें फ़ोनपे अपना ओपन कर लेना है। ये देखिए हमने अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया। फ़ोनपे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे सेंटर में माई यू पी आई डी लिखा हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ @YBL लिखा हुआ है। ये आईडी जब आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जब आप अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट साइड में ये फ़ोटो आपका दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है माई यू पी आई आई डी। इस माई यू पी आई आई डी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा यू पी आई आई डी मिल जाएगा। इसको हम कुछ देर फिंगर से होल्ड करेंगे तो हमारा यू पी आई आई डी कॉपी हो जाएगा। यू पी आई आई डी कॉपी होने के बाद फिर से हम वापस धुरीना को खोल लेंगे और यहाँ पर हमसे यू पी आई आई डी मांगा जा रहा है। यू पी आई आई डी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या तो हम इसको पेस्ट कर देंगे या फिर हम अपना मोबाइल नंबर डाल के @YBL डालेंगे। YBL यहाँ पर पहले से डाला हुआ है तो आपको बस अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपके फ़ोन पर एक ऑप्शन आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोनपे की तरफ से रिक्वेस्ट आ गया है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते साथ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और हम जो कोर्स ख़रीदना चाहते हैं वो कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो कोर्स ख़रीदे हैं वो हमारे पास आया कि नहीं, या फिर हम मैथ मस्ती का कौन कौन सा कोर्स ले चुके हैं। इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और माई कोर्स पर चला जाना है। यहाँ पर ये देखिए स्पेशल रीजनिंग कोर्स, अभी जो हम ख़रीदे थे वो कोर्स हमारा आ चुका है और इसका वीडियोज वगैरह भी अभी प्ले होने लगेगा, जो कि जब आप कोर्स नहीं ख़रीद पाएंगे तो ये वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप मैथ मस्ती विपिन सर का पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।